गाजीपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक दिन भी ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन कोरोना से संक्रमित मरीज नहीं पाए जा रहे हैं। लगातार कई दिनों से भारी संख्या में नए मरीज पाए जा रहे हैं, ऐसे में लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। शनिवार को गाजीपुर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के 19 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले लगातार 4 दिन में गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के नए मामले देखने को मिले हैं। आज मिले 19 मरीजों के मिलने से गाजीपुर में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 277 हो गई है। हालांकि इसमें से 168 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इस हिसाब से देखें तो आज के नए मरीजों को जोड़ने के बाद गाजीपुर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 109 हो गई है। गाजीपुर में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को कोरोना के क्रमशः 19, 20, 20 और 10 नए मामले देखने को मिले थे। आइए आपको आज मिले 19 कोरोना संक्रमित मरीजों के बारे में विस्तृत जानकारी दें। रसूलपुर पोस्ट धनेपुर ब्लॉक देवकली में एक, मझरिया देवकली में एक, अटहटा रेवतीपुर में एक मरीज पाए गए हैं। पिपनार मरदा में एक, शहबाजपुर कासिमाबाद में एक, मोहम्मदपुर कुसुम कासिमाबाद में एक, फतेहपुर कासिमाबाद में 2 मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा मोहम्मदपुर कुसुम में एक, उच्चौरी कासिमाबाद में एक, इमामुद्दीनपुर में 2, सिउरी अमहट बाराचवार में एक और सिकंदरपुर गाजीपुर में एक मरीज मिले हैं। वहीं अमेंदा सैदपुर में एक, चिलार नंदगंज में 2 और बौरवा सादात में भी एक मरीज मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है। गाजीपुर में लगातार 10 या 10 से ऊपर मामले देखने को मिल रहे हैं और अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो ये ज़रूर गाजीपुर प्रशासन और गाजीपुर के लोगों के लिए चिंता का विषय बन जाएगा। हमारी आप सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहने की कोशिश करें और बाहर निकलने पर मास्क अवश्य लगाएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी ज़रूर करें। गाजीपुर में कोरोना संबंधित हर जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।